वंदे गौ मातरम्। गौ माता, आज आपको ऐसी दिखा रहा हूँ कि जिसको देखकर जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज जो थारपारकर नस्ल की गाय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ताजा ब्याही हुई है और कल रात को ही ये ब्याही है। आपको आज मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। ऐसी गायें बहुत ही कम संख्या में, रेयर ही देखने को मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज एक शानदार कदकाठी की, बड़े साइज के हंप की, थारपारकर नस्ल की गाय जो सेल के लिए अवेलेबल है, वह दिखा रहा हूँ। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। इस गाय के अंदर आपको देसी गोमाता के अंदर जो भी गुण होने चाहिए, वह सभी गोमाता के अंदर मौजूद है। छोटे सींगों की बनावट में है, सींग काफ़ी छोटे हैं, चौड़ा माथा है, फ्लैट माथा जो थारपारकर नस्ल की गायों में देखने को मिलता है, सुंदर गलकंबल और एक बड़े साइज का हंप। हंप का साइज इस गाय का काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बड़े साइज का है। नाभि वेल शेप्ड, जैसी थारपारकर नस्ल की गायों में आपको देखने को मिलती है, जैसा उसके करेक्टर्स में डिफाइंड है, और वैसी अडर क्वालिटी, अडर काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी शानदार अडर क्वालिटी है, बड़े साइज का अडर है, सुंदर गोल मुठिया थन है, अच्छे गैप के साथ। हाइट इस गाय की काफ़ी उम्दा है, पुट्ठे की चौड़ाई आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन। साथ ही ठंडा सील स्वभाव, थारपारकर नस्ल में ऐसी गायें कम ही संख्या में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन नस्लों पर काफ़ी कम काम किया जा रहा है, अधिक काम करने की आवश्यकता है। आपको चाहिए जब भी आप ऐसी गोमाता को खरीदें, तो उसको थारपारकर नस्ल के बुल से ही क्रॉस करवाएं, जिसकी अच्छी पेडिग्री रिकॉर्ड हो, और साथ ही आप सिमन करवाएं, तब भी ध्यान रखें कि थारपारकर के नस्ल का सिमन ही उपयोग किया जाए। यह गाय सेकेंड लैक्टेशन में है, अपने दूसरे ब्यांत के अंदर है, और काफ़ी बेहतरीन अडर क्वालिटी है, अडर काफ़ी बड़े साइज का है इस गाय का। रात को इसने मेल काफ को जन्म दिया है। इस गाय की दूध क्षमता 17 लीटर हमें टीकूराम जी ने बताई है, जो इस गाय को सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। विलेज कमीनपुरा, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर 7627058169। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है। साथ ही आप खुद उपस्थित होकर यहाँ आकर इस गाय की दूध क्षमता को जांचने परखने का काम कर सकते हैं। अपने हाथ से 2 टाइम 3 टाइम की मिल्किंग जरूर से कर देखें। जब आप मिल्किंग स्वयं अपने हाथ से करेंगे, तभी उपयुक्त रहेगा कि आप उसकी एक्चुअल दूध क्षमता को भी नाप पाएंगे, और ऐसी दुर्लभ देसी गोवंश जो कम संख्या में बची हैं, उनकी नस्ल का संवर्धन भी तभी हो पाएगा जब आप इसको रूबरू अपने सामने देखेंगे और इस गाय के बारे में अनुभव कर पाएंगे कि गाय सचमुच तारीफ के काबिल है। 17 लीटर दूध क्षमता थारपारकर नस्ल की गायों में कम ही देखने को मिलती है। ये गाय काफ़ी उम्दा क्वालिटी की है, बड़े साइज का इसके अंदर हम्प देखने को मिल रहा है, और अडर काफ़ी खासियतों से भरपूर है, गैप अच्छा और बड़े साइज का अडर, थंड मुठिया। गाय की कीमत टीकूराम जी ने 1,25,000 रुपये, यानी कि 1,25,000 रुपये, 1.25 लाख रुपीज़ डिमांड की हैं। प्राइस नेगोशिएबल है। इस कीमत में यदि आप कोई बार्गेनिंग करना चाहते हैं, या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेंशन किए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। आपको यह गाय कैसी लगी, हमें कमेंट करके जानकारी जरूर से दीजिएगा। साथ ही साथ इस गाय की दूध क्षमता में आप क्या अनुमान लगाते हैं, वह भी हमें कमेंट करें, और इस गाय की कीमत जो है वह कितनी जायज़ है, इस बारे में भी हमें कमेंट करके जानकारी जरूर से दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।